हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, लास्ट बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हम एनपीओ और पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। वो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स की आपकी बुक थी। अब जो आपका सेकंड पार्ट है, फिलहाल शायद अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट आप जल्दी से जल्दी जैसे भी हो सके चाहे सेकंड हैंड परचेज करें, लेकिन आप इसको जल्दी से जल्दी अरेंज करें क्योंकि बीच में आपको पता ही है काफी टाइम हमने निकाल दिया सिर्फ बुक की वजह से। तो आप जितनी जल्दी हो सके बेटा बुक्स को अरेंज करें। और आज हम अपनी एक और बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। पहले आपको पार्टनरशिप के अकाउंट्स कराए हैं कि पार्टनरशिप के लिए अकाउंटिंग कैसे की जाती है, अब हम आपको करवाएंगे कि कंपनी के लिए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी के लिए अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो इसके अंदर आपके पास तीन चैप्टर हैं, दो यूनिट्स में आपकी सेकंड पार्ट को डिवाइड किया हुआ है, एक कंपनी अकाउंट्स में और दूसरा जो पार्ट है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी अकाउंट के अंदर आपको तीन चैप्टर करने हैं, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। इनकी वेटेज ऑलमोस्ट आप लेके चल सकते हो 16 से 20 नंबर, 16 to 20 मार्क्स, इतने मार्क्स की आपको इन तीनों चैप्टर्स के अंदर पेपर में मिल जाता है। फिलहाल बोला जा रहा है कि आपका सिलेबस कट होगा, लेकिन फिलहाल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि कौन कौन से टॉपिक्स डिडक्ट हो चुके हैं या नहीं हुए। तो जब तक प्रॉपर अपडेट नहीं आता तब तक हम जितना भी बुक के अंदर अवेलेबल है सारा कंप्लीट करते जा रहे हैं साथ साथ। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी को बेटा आप 11th के अंदर बड़े ही डिटेल में पढ़ के आ चुके हो। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का सिंपल सा मीनिंग यही था, कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म थ्रू द पर्संस ऑफ लॉ, फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि प्रोसेस ऑफ लॉ से क्रिएट की जाती है ताकि वो लोग कोई बिजनेस कैरी कर सके। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब यह है कि खुद की इच्छा से कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से बिजनेस को कैरी करते हैं, लेकिन वो जो बिजनेस है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है यानी कि रजिस्टर होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, तभी आप उसको आप क्या बोल सकते हो, कंपनी बोल सकते हो। तो कंपनी में आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इनके पास अवेलेबल होते हैं शेयर इशू करना, वहां से इनके पास पैसा आता है, या फिर डिबेंचर इशू करके इनके पास पैसा आता है। तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, इसके लिए अकाउंटिंग आपको करनी है। तीसरा है रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, जो उन्होंने फाइनेंस अरेंज किया था उसको कई बार वो क्या करते हैं, पे बैक कर देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर से जो पैसा आया था उसको हम वापिस कर सकते हैं। तो जब वापिस किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। इन सबके लिए आपको अकाउंटिंग करनी है। फिलहाल आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। बेटा आप लोगों ने अभी तक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 11th के अंदर पढ़ी थी, वहां पे एक फॉर्म थी सोल ट्रेड, दूसरी आपने पढ़ी पार्टनरशिप, तीसरी आपने पढ़ी कंपनी। मीनिंग वही है, सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से हम उसका नाम चेंज करते जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सोल ट्रेड जो था वहां पे जो अमाउंट इन्वेस्ट करता था बाय ओनर, उसको हम क्या बोल देते थे, टर्म्ड एज कैपिटल, उसको क्या बोलते थे, कैपिटल बोलते थे, उसको हम सिर्फ क्या बोलते थे, कैपिटल। क्योंकि सोल ट्रेड का मतलब क्या था कि सिंगल पर्सन वहां पे ट्रेड करने के लिए आ रहा है, तो इसलिए जो भी वो पैसा लगाता था उसको हम क्या बोलते थे, कैपिटल। इसके बाद दूसरी फॉर्म आई जिसका नाम था पार्टनरशिप
मतलब क्या था वहां पे, यहाँ पे एक सिंपली जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, जो भी पैसा लगाएंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इज टर्म्ड एज पार्टनर्स कैपिटल। तो आप उसको किस नाम से जानने लग गए, पार्टनर कैपिटल। हर जगह पे अमाउंट इन्वेस्ट कौन करता है, ओनर करता है, और जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है ओनर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अगर वो सिंगल पर्सन ने लगाई तो आपने उसको सिंपली कैपिटल बोलना शुरू कर दिया। जब पार्टनरशिप फॉर्म आई, वहां पे दो या दो से ज्यादा लोगों ने आके कैपिटल इन्वेस्ट की, तो आपने उसको पार्टनर्स कैपिटल बोलना स्टार्ट कर दिया। अब जो कंपनी फॉर्म है, यहाँ पे वर्ड यूज होगा एक, जिसको आप बोलोगे शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है सर? बेटा सिंपल सी बात यह है कि जो कंपनी है, कंपनी के अंदर जो पैसा लगाया जाता है, उन्होंने क्या किया, कंपनी की जो कैपिटल थी, कंपनी की जो कैपिटल थी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो सबसे छोटा पार्ट था उसको उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, यहां पर मैं लिख देता हूं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है कि अब यहां पे उन्होंने क्या किया, जो कैपिटल थी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल अमाउंट्स के पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो वो छोटा सा पार्ट था उसको उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, शेयर। मतलब कंपनी जो है वो बहुत बड़ी होती है, वहां पे बहुत सारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्होंने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि जो भी लोग आके कंपनी में ओनर बनना चाहते हैं वो एक छोटा सा पार्ट उठाओ कैपिटल का और वो इन्वेस्ट करो, छोटा सा पार्ट उठाओ और वो क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। तो उसका नाम ही उन्होंने क्या रख दिया, शेयर कैपिटल, कि कंपनी की जो कैपिटल है वो अब काफी सारे लोगों में शेयर हो रही है, काफी सारे लोग मिलकर उसको लगा रहे हैं, तो उसका नाम क्या रख दिया, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है बेटा, सिंपली बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल का मतलब वो बोलता है, शेयर कैपिटल मींस मनी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स इज टर्म्ड एज, ये मैंने आगे लिख दिया था। तो क्या बोल रहे हैं, शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, वो बोलता है शेयर कैपिटल का मतलब है जो भी पैसा उन्होंने शेयर इशू करके, यानी कि शेयर्स को बेच के जो भी पैसा रेस किया कंपनी ने, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, शेयर कैपिटल बोल दिया। ये एक टर्म है यहाँ पे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद एक छोटी सी टर्म और है शेयर, छोटी सी टर्म एक और है शेयर। शेयर क्या होता है सर, शेयर का मतलब और कुछ नहीं है, शेयर इज अ स्मॉल डिनोमिनेशन, और आप बोल सकते हैं यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब कि ये जो कैपिटल है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड किया, उन पार्ट्स का ही नाम क्या रख दिया गया, शेयर। तो वो क्या बोलता है, शेयर जो है वो इस शेयर कैपिटल की एक डिनोमिनेशन है या फिर एक यूनिट है। शेयर कैपिटल पूरी एक चीज हो गई, उसकी एक छोटी सी यूनिट को उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, शेयर बोलना स्टार्ट कर दिया। क्लियर यहां तक? शेयर कैपिटल के टाइप्स हैं कुछ, शेयर कैपिटल के कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ बेटा। फिलहाल थियोरेटिकल है ये लेक्चर पूरा, और लास्ट में आपको एंट्रीज करवा दूंगा, उन एंट्रीज को आप लर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। शेयर कैपिटल जो बेसिक यूज होते हैं वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल का फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड, या आप इसको बोल सकते हो रजिस्टर्ड
इसको बोल सकते हो नॉमिनल शेयर कैपिटल। ये तीन नाम है इसके, तीन नाम है इसके। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सिंपली इट इज द कैपिटल विच कैन बी रेस्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ, या फिर आप बोल सकते हो ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन। मतलब कि एक कंपनी जो है वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर जितनी कैपिटल रेस कर सकती है, पूरी लाइफ के अंदर जितनी कैपिटल रेस कर सकती है उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। ये जो होती है इट इज मेंशन्ड, इट इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, अब मैं लिंक क्रिएट करूंगा इसी के साथ ही, इसी के साथ इसका लिंक क्रिएट कर देता हूं। इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज offered, which is offered to general public for subscription, जिस जितना पार्ट आपने जनरल पब्लिक को ऑफर कर दिया सब्सक्रिप्शन के लिए उसको हम क्या बोल देते हैं? इशू कैपिटल। मतलब कि मान लो आपने ये डिसाइड किया है कि हमारी जो कैपिटल होगी वो 60 करोड़ रुपीस होगी, हमारी जो ऑथराइज कैपिटल होगी वो कितनी होगी? 60 करोड़। मतलब जब तक कंपनी चलेगी तब तक में हम कितनी कैपिटल रेस करने के, शेयर बेच बेच के 60 करोड़। तो इसका जो डिवाइडेशन होता है वो कुछ बताना पड़ता है आपको कि इस 60 करोड़ के अंदर कितने शेयर होंगे और एक शेयर कितने का होगा। मान लो आपका एक शेयर 10 रुपए का है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 6 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। ये 6 करोड़ शेयर आप कंपनी की पूरी लाइफ स्पैन के अंदर इशू कर सकते हो, पूरी लाइफ स्पैन के अंदर इशू कर सकते हो। अब इस 6 करोड़ में से अगर मान लो मैंने 2 करोड़ अगर मान लो मैंने 2 करोड़ शेयर ऑफ रुपीस 10 ईच, 2 करोड़ शेयर अगर मैंने पब्लिक को ऑफर कर दिया कि आओ और कंपनी में जिसको ओनर बनना है वो आके शेयर परचेस करो, जिसको भी कंपनी में आके ओनर बनना है वो आके शेयर परचेस करो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। आपकी इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2 करोड़ शेयर है यानी कि 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ आपकी क्या हो जाएगी? इशूड कैपिटल हो जाएगी, इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इसके बाद नेक्स्ट है आपकी नंबर 3 सब्सक्राइब कैपिटल। इसका लिंक भी अब हम इसके साथ क्रिएट करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं इट इज दैट पार्ट ऑफ, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल विच इज
एक्सेप्टेड बाय जनरल पब्लिक। मतलब क्या सर इसका? बेटा आपने 2 करोड़ के शेयर मार्केट में, 2 करोड़ शेयर आपने मार्केट में बेचने के लिए निकाल दिए, डिस्प्ले कर दिए, भाई आओ और ये 2 करोड़ शेयर ले जाओ, आओ 2 करोड़ शेयर ले जाओ, ये आपने ऑफर कर दिए मार्केट। लेकिन एक्चुअल में कितने शेयर बिक गए, कितने शेयर बिक गए यानी कि कितने शेयर लोगों ने आके परचेज कर लिए, वो आपकी कौन सी कैपिटल बन जाएगी? सब्सक्राइब कैपिटल। जितने आप इशू करते हो उसमें से जितने बिक जाते हैं, जितने जनरल पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। इसको हम क्या बोल देंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर। इसके बाद इसके 2 पार्ट और होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। वो आपको मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे फिर समझाऊंगा, क्योंकि तब आपके लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसलिए मैं अभी इसके पार्ट्स यहाँ पे नहीं बता रहा आपको, आप सिंपल सा इसके नीचे लिख दो, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और दूसरा पार्ट जो बनेगा वो हो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ये 2 पार्ट आप एक बार लिख लो, जब प्रैक्टिकल कुछ आएगा तो आपको समझाएंगे इसके बारे में। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी नंबर 4, वो है कोल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट कौन सी है? कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल का रिलेशन हम बनाएंगे सब्सक्राइब के साथ। इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल which is called up by company। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है जो कि कंपनी ने जनरल पब्लिक से मांग लिया है। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं इसको भी। इसके बाद लास्ट और लिख लेते हैं हम पेड अप कैपिटल। लास्ट और लिखते हैं हम पेड अप कैपिटल। 5वें नंबर पे एक और है पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल का रिलेशन मैं इसके साथ बना लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इट इज दैट पार्ट ऑफ कोल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय जनरल पब्लिक टू कंपनी। ये वो पार्ट है जो पब्लिक ने कंपनी को पे कर दिया, उसको हम क्या बोल देते हैं? पेड अप कैपिटल। उसको हम क्या बोल देते हैं? पेड अप कैपिटल। यहां तक अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आपको समझाता जाता हूं क्या क्या चीजें हैं। अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, मैं आपको समझाता जाता हूं। और प्लीज आप सब इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है? अब प्रोसीजर को बड़े ध्यान से समझना। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं कि कंपनी जो है वो शेयर
किसको इशू कर सकती है और कैसे इशू करने होते हैं, किसको इशू कर सकती है और उसको इशू करने कैसे हैं। एक्चुअल में आपको पता हो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर को इशू नहीं कर सकती, जो पब्लिक कंपनी है वो आपके शेयर को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। ठीक है, तो वो किन किन लोगों को शेयर इशू कर सकती है वो हमने सीखना है। पहली चीज, पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकती है, इशू ऑफ शेयर्स। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसकी थ्योरी में क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेरे लिए अभी एक बार नोट करना पॉसिबल नहीं है। आप बुक में से इसको रीड आउट कर लेंगे। यहां पे वो इशू कर सकते हैं किस किस तरीके से। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, एक क्या होता है यहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट, दूसरा होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। उसके बाद तीसरा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और चौथा है कंसिडरेशन अदर देन कैश, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है सर? प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर जब पब्लिक कंपनी के जो अंडरराइटर्स होते हैं, अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो आपके शेयर बेचने में आपकी हेल्प करते हैं। अंडरराइटर कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी के शेयर्स को बेचने में हेल्प करते हैं। जस्ट ये आप ये बोल सकते हो कि कमीशन एजेंट होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स ऐसे आप नॉर्मली समझ सकते हो उनको। लेकिन अंडरराइटर जो होंगे, अंडरराइटर ऐसे लोग होंगे जो आपकी कंपनी के शेयर को बेचने में हेल्प करेंगे। तो अगर अंडरराइटर्स को ऐसा लगता है कि हमें जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट है वो हम अपने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सोर्सेज से ही कलेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर वो अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर नहीं करते। वो किसको ऑफर नहीं करते? पब्लिक को ऑफर नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ किसको देते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर, किसको मिल जाते हैं? प्रमोटर्स को, जो आपकी कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्टर्स को मिल जाएंगे, या फिर उनके रिलेटिव्स को मिल जाएंगे, या फिर म्यूचुअल फंड्स को मिल जाएंगे। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? नॉट इशूड टू पब्लिक, टू जनरल पब्लिक आप बोल सकते हो। कि प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं किए जाते। जनरल पब्लिक को ऑफर ना करके वो किसको ऑफर कर देते हैं? जो भी उस कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं या जो भी उनके रिलेटिव हैं, डायरेक्टर के रिलेटिव हैं, प्रमोटर के रिलेटिव हैं, या फिर वो दे देते हैं म्यूचुअल फंड्स को। जनरल पब्लिक को ना बेच के इन लोगों को अगर वो शेयर इशू कर रहे हैं कैश के बदले में, तो उसको क्या बोल देते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ आ गया प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब ये है, नॉट इशू टू जनरल पब्लिक। जब आप जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर रहे, प्राइवेटली दे रहे हो, प्राइवेटली किसको दे रहे हैं? प्रमोटर को दे रहे हैं, डायरेक्टर को दे रहे हैं, उनके रिलेटिव्स को दे रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट वन इज स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर ये किसको इशू किए जाते हैं? इशू टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एट डिस्काउंट
कंसिडरेशन इन कंसिडरेशन ऑफ नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड टू कंपनी। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे शेयर हैं जो कंपनी पब्लिक को, ये भी किसको इशू नहीं किए जा रहे, ये भी किसको इशू नहीं किए जा रहे, नॉट इशू टू पब्लिक, ये पब्लिक को नहीं इशू कर रहे, ये किसको इशू कर रहे हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं या उनके एम्प्लॉइज हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं या उनके एम्प्लॉइज हैं, ऐसे एम्प्लॉइज जो बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई आपको नो हाउ दिया, मतलब कोई फॉर्मूला आप बोल सकते हो इसको, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको ट्रांसफर कर दिए हैं, तो उस केस के अंदर हम उनको कंसीडरेशन के लिए कुछ कम प्राइस के अंदर शेयर देते हैं। जैसे कि 100 का शेयर है, उनको बोला 40 रुपए आप कैश दो, 60 रुपए आपको डिस्काउंट, आप शेयर ले जाओ। इसके लिए लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल का, मतलब 3 साल तक ये जो डायरेक्टर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं जिनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, ये लोग आगे किसी को सेल नहीं कर सकते 3 साल तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन, या फिर आप इसको बोलते हो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में क्या है, इसमें आप इशू किसको कर रहे हो, पब्लिक को। तो जब आपको पब्लिक को शेयर इशू करने होते हैं तो कुछ चीजें आपको वहां पे कंसीडर करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, अगर आप अपने शेयर, यानी कि एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को सेल करना चाहती है, तो उसको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारे डिटेल्स होती है, यानी कि कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, क्या उसने सेबी की कंसेंट ली है या नहीं ली, उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, उसने कितने शेयर अब इशू किए हैं, उसकी डेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर अवेलेबल होती है। पहली बात उसको क्या करना पड़ेगा, अगर पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी बात, उसको एप्लीकेशन रिसीव करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए उसको क्या करना है कि जो भी प्रोस्पेक्टस होगा उस प्रोस्पेक्टस के अंदर शेयर को कुछ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो वो इसकी इंस्टॉलमेंट बना देती है, उसकी इंस्टॉलमेंट बना देती है। जैसे कि मान लो 3 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट है, 3 की दूसरी है, 2 की दूसरी है, 2 की दूसरी, ठीक है। अब इतना पैसा वो कहते हैं कि आप हमारे को दे देना एप्लीकेशन के टाइम, इतना पैसा आप हमारे को दे देना अलॉटमेंट के टाइम, इतना पैसा दे देना कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे, और इतना पैसा दे देना सेकंड कॉल पे। सर ये कॉल, ये अलॉटमेंट, ये एप्लीकेशन है क्यों? बेटा सिंपल सी बात है, आपने कंपनी का प्रोस्पेक्टस ले लिया, प्रोस्पेक्टस के पीछे सारी डिटेल होती है कि आपको पैसा कैसे कैसे डिपॉजिट कराना है। इंस्टॉलमेंट बनाई हुई है बेटा, इंस्टॉलमेंट के नाम देते हैं, इंस्टॉलमेंट है ये 10 रुपए का, अगर आप शेयर लेते हो तो आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है। ये इंस्टॉलमेंट किस टाइप से होगी कि जब आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस करने आओगे, अगर आपको हमारी कंपनी के शेयर परचेस करने होंगे तो पहले आपको उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपको कुछ पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के अकाउंट के अंदर जाके डिपॉजिट कराना पड़ेगा अप्लाई करते टाइम।
जो एप्लीकेशन का मनी होता है उसको मिनिमम आपको 25% ऑफ फेस वैल्यू रखना ही होता है, मिनिमम 25% ऑफ इशू प्राइस होता है। जो भी आपका इशू प्राइस होगा जितने में आप शेयर बेचने वाले हो, जैसे अभी मैं यहाँ शेयर 10 रुपए का बेचने वाले हूँ, तो मिनिमम 25% यानी कि 2.5 रुपीज की मिनिमम एप्लीकेशन मनी होनी ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको कुछ पैसा एप्लीकेशन पे देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए उनको टाइम पीरियड दिया जाता है, एक वर्ड है यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसको आप नोट कर लेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, इट शुड बी 90% और मोर, 90% और मोर ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। जितने भी आप शेयर बेचने के लिए निकालोगे उसका कम से कम 90%, बाकी आप चाहो तो उससे एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, कि कम से कम 90% शेयर बिक जाने चाहिए। इसके लिए टाइम मिलेगा कितना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 120 days आफ्टर इशूइंग प्रोस्पेक्टस। वो कहता है जी जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया ना, उसके 120 दिन के अंदर अंदर अगर मान लो मैंने 1000 शेयर इशू किए, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, आपने 1000 शेयर इशू किए, तो वो क्या कहता है, जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया वहां से लेके 120 दिन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, 120 दिन के अंदर अंदर आपने जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेट किया है, वैसे नॉर्मली होता है 90%, आप चाहो तो इससे ज्यादा भी सेट कर सकते हो, तो वो कहता है कम से कम इसका 90% लोग खरीद लें, इसका 90% कम से कम लोग क्या करें, अप्लाई कर दें इसके लिए। तो यानी कि अगर आपने 1000 शेयर बेचने के लिए निकाले हैं तो 120 दिन के अंदर अंदर 900 शेयर की एप्लीकेशन आपके पास आ जानी चाहिए, 900 शेयर की एप्लीकेशन आपके पास आ जानी चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और ये कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना है आपको, 180 days। तीसरा पॉइंट, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड देन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन must be refunded within 180 days after the date of issuing prospectus। वो क्या कहता है, कहता है सर पहली बात तो अगर आपको शेयर इशू करने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 90% आपको रिसीव करना है, और अगर आपका ये 90% रिसीव नहीं होता, ये 90% रिसीव नहीं होता 120 दिन के अंदर अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप जो आपका पैसा आपके पास आया है, मान लो आपके पास 900 की बजाय 850 शेयर के पैसे आ गए, होने कितने चाहिए थे 900, लेकिन आपके पास कितने के पैसे है 850 के आ गए, तो आपको जो पैसे आए हैं 850 शेयर के वो भी वापस करने पड़ेंगे विद इन 180 डेज।
within 180 days सॉरी एक छोटा सा चेंज है इसमें। अब आपको पहले 180 डेज मिलते थे बेटा, अब आपको मिलते हैं 30 डेज। ये मैंने गलत वो कर दिया, 30 डेज और 15 डेज यहां पे आ जाएंगे। सॉरी एक गलत हो गया था, वो कहते हैं कि 30 डेज में आपको कंप्लीट करना है और अगर 30 डेज में कंप्लीट नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट जो 15 दिन मिलेंगे उस नेक्स्ट 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो अमाउंट है वो वापस करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको इसके ऊपर 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15 दिन के बाद, ठीक है। अब अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करोगे, फिर उनको शेयर देने शुरू करोगे। शेयर देने शुरू करोगे तो उस टाइम एक अमाउंट और मांगा जाएगा, एक इंस्टॉलमेंट और मांगी जाएगी जिसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट। तो आपको जब आपने अप्लाई किया उसके लिए आपको एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो अलॉटमेंट लेटर के साथ आपसे कुछ और अमाउंट आपसे मांगा जाएगा। तो जब अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मांगा जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अलॉटमेंट मनी। इसके बाद जब आपको शेयर मिल चुके हैं उसके बाद फिर वो चाहेंगे तो फिर दोबारा से आपसे दूसरी तीसरी इंस्टॉलमेंट मांगेंगे जिसका नाम होगा कोल, ठीक है। तो कंपनी पूरा का पूरा पैसा एक साथ ना मांग के छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है अगर वो पब्लिक को ऑफर कर रही है तो, ठीक है। तो आपको इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। जर्नल एंट्रीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, उन एंट्रीज को प्लीज आप एक बार लर्न कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज अब हम लोग करेंगे फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का, फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, या मैंने इसको पूरे पे बना देता हूं, पूरे पे बना देता हूं। बेटा फॉर्मेट बना के करने हैं आपने, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी को जब भी इंस्टॉलमेंट मांगनी होगी जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फिर कॉल, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको शेड्यूल बैंक में जाके, शेड्यूल बैंक में जाके हर बार एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उस अकाउंट के नंबर आपको गिवन होंगे प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो जो भी अकाउंट नंबर होगा उसके अंदर आपको जाके पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, क्लियर। तो जब एप्लीकेशन जिस टाइम रिसीव की जाती है, जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है तो वो एंट्री क्या पोस्ट करती है, जब एप्लीकेशन रिसीव करती है तो कंपनी एंट्री पोस्ट करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो उस टाइम पे वो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहां पे अमाउंट कैसे लिखना है, आपको लिखना है नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब मल्टीप्लाई
अमाउंट ऑफ मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको एंट्री पोस्ट करनी है बेटा। जब एप्लीकेशन का अमाउंट आप रिसीव करेंगे, नरेशन लिख देता हूं, शेयर एप्लीकेशन रिसीव, शेयर एप्लीकेशन रिसीव, आपको ये एंट्री पोस्ट कर देनी है एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। फिर एप्लीकेशन का जो अमाउंट होगा, मैंने आपको बोला है कि हर इंस्टॉलमेंट के लिए बैंक में एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा, तो जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट हो जाएगी तो वो जो अमाउंट आपने रिसीव किया है उस अमाउंट को वो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। शेयर कैपिटल क्योंकि आपकी लायबिलिटी है, तो जितना अमाउंट भी आप होल्ड करेंगे, जितना अमाउंट भी आप मांगेंगे अपने मेंबर से, उतने से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब ट्रांसफर किया जाएगा ये अमाउंट, तो आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां से नरेशन लिख देते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, जो एप्लीकेशन मनी है वो आपने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ये सेम जो आपने अमाउंट रिसीव किया है सेम आपको यहां लिख देना। इसके बाद अब क्या होगा, सिर्फ एक एप्लीकेशन ऐसा अमाउंट होता है जो पहले ही रिसीव हो जाता है, उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। बाकी जितने भी अमाउंट होंगे, जब भी आप ड्यू करेंगे, जब भी आप आगे इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे, तो आपकी लायबिलिटी को आप क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। क्योंकि कैपिटल तो आपको पता ही है, कैपिटल फर्म के लिए एक लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए, तो जैसे उसकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। जितना पैसा कंपनी पब्लिक से मांगेगी, जितना पैसा कंपनी पब्लिक से मांगेगी, उतनी ही उसकी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब जब वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेगी, तो आपको क्या करना है, जो वो मांग रही है, जो भी इंस्टॉलमेंट वो मांग रही है, उस इंस्टॉलमेंट को आपको डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, शेयर कैपिटल को। तो अब वो शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेगी, इसके बाद शेयर अलॉटमेंट मांगेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होती है वो होती है शेयर अलॉटमेंट। तो नेक्स्ट क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे अब आप क्या लिखेंगे, सेम वही बात, नंबर ऑफ शेयर, कौन से नंबर ऑफ शेयर, शेयर सब्सक्राइब, मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहां पे अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, जितना भी आपने अलॉटमेंट में अमाउंट मांगना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, नीचे लिख देते हैं नरेशन, शेयर अलॉटमेंट ड्यू। क्लियर, शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर दी। अब इसके बाद हम रिसीव करेंगे, रिसीव करने की क्या एंट्री होगी, याद रखना आपको, जब मांगेंगे तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, और जो चीज मांग रहे हैं, जो इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं, उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और जब रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, तो इसलिए आप बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और जिसकी वजह से पैसा आ रहा है उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। जैसे अभी आपने क्या मांगी, शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे मैंने जो मांगी है उसको डेबिट किया, और क्रेडिट किसको करना है, शेयर कैपिटल को। तो जब भी आप इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे, तो उस केस के अंदर जो इंस्टॉलमेंट का नाम है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, उसको आप क्या करेंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर कैपिटल को। ड्यू करते टाइम हमेशा यही एंट्री आपको, यही लॉजिक फॉलो करना है। रिसीव जब आप रिसीव करेंगे तो बैंक को डेबिट करना है, और जो इंस्टॉलमेंट आ गई है उसको क्या कर देना है, क्रेडिट। तो यहां पे आप एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि आपने शेयर अलॉटमेंट मांगी है, तो अब पैसा भी किसका आएगा, शेयर अलॉटमेंट का। सेम यहां पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। नरेशन क्या लिखूंगा मैं यहां पे, शेयर
अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, कोल्ड ड्यू करेंगे, कोल्ड ड्यू करेंगे। अब कोल्ड ड्यू करेंगे, ये स्टेप याद रखना, पहले इंस्टॉलमेंट मांगनी है फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। अब अलॉटमेंट रिसीव हो गई, अब मान लो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉल दिया हुआ है तो यही एंट्री आपको दो बार करनी है, और अगर सिंपल कॉल दिया हुआ तो आप एक ही बार एंट्री कर देंगे। यहाँ पे शेयर जो मांग रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, जैसे कि कॉल मांग रहे हैं तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि आपने शेयर कॉल जो है वो क्या कर दी है, ड्यू कर दी, मतलब मांग ली। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट ऑफ कॉल के साथ, अमाउंट ऑफ कॉल के साथ। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे सिक्स्थ एंट्री, आप कॉल रिसीव करेंगे, रिसीव करेंगे तो डेबिट किसको करना है, बैंक को, और क्रेडिट किसको करना है, जिसकी वजह से पैसा आ रहा है, जो इंस्टॉलमेंट आ रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो टू शेयर कॉल अकाउंट, नीचे नरेशन लिख देता हूं, शेयर कॉल रिसीव, शेयर कॉल रिसीव, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री और है, अगर ये ऑप्शनल है, अगर क्वेश्चन पूछे तभी करनी है, अगर जब हम शेयर इशू करेंगे तो कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, तो एक्सपेंस अगर जैसे आप सैलरी पे करते हो तो एंट्री क्या करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस को डेबिट कर देते हो और बैंक को क्रेडिट कर देते हो। यहाँ पे भी सेम ऐसे करने हैं, जब आप शेयर इशू एक्सपेंसेस पे करोगे तो आप लिखोगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये किस लिए आपने एंट्री करी है, शेयर इशू एक्सपेंसेस को पे करने की, शेयर इशू एक्सपेंसेस पे। यहां तक आप नोट्स कंप्लीट करेंगे, नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग एंट्रीज को रिकॉल करेंगे, दो तीन बार नोट करके देखेंगे, और मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। सिर्फ एक एप्लीकेशन मनी ऐसा होता है जो रिसीव पहले हो जाता है उसके बाद ट्रांसफर किया जाता है, बाकी चाहे अलॉटमेंट है, चाहे फर्स्ट कॉल है, चाहे फाइनल कॉल है, उनको आपको पहले मांगना है और फिर रिसीव करना है। तो जब आप मांगेंगे, जब भी कोई चीज ड्यू करेंगे तो जो चीज ड्यू कर रहे हैं उसको डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, शेयर कैपिटल को। जैसे कि अगर आप अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं तो आप एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर आप फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं तो आप एंट्री पोस्ट करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर आप फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं तो आप एंट्री पोस्ट करोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू करने की एंट्री के अंदर शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, और जो चीज ड्यू की जा रही है उसको आपको डेबिट कर देना है। जब आप रिसीव करोगे उसका पैसा आएगा, तो क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा इसलिए आप बैंक को फोकस करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे, और जिसकी वजह से पैसा आ रहा है, अगर एप्लीकेशन की वजह से आ रहा है तो एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दो, अलॉटमेंट की वजह से आ रहा है तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दो, कॉल की वजह से आ रहा है तो कॉल को क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से आप लर्न कर लेंगे इनको। और एक बात याद रखना, शेयर एप्लीकेशन के बाद शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर होगी, पहले रिसीव करेंगे फिर ट्रांसफर होगी, फिर अलॉटमेंट मांगेंगे, अलॉटमेंट मांगने के बाद अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट मांगते ही फर्स्ट कॉल ना मांग लेना, पहले अलॉटमेंट मांगनी है फिर उसके बाद उसको रिसीव करना है, मतलब हर किसी के लिए दो दो एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार लर्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे इससे रिलेटेड, और इसको धीरे धीरे एक बार ट्रैक पे आने के बाद फिर फटाफट इसको खींच देंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।